किसान भाइयों, आपके खेत में जब कभी आपको कोई कीड़ दिखती है, कोई आपके फसल में आपको डिफिशियंसी दिखती है, तो आप तुरंत उसके ऊपर स्प्रे करने का सोचते हो। और कई बार आप स्प्रे करने के बाद उसका अच्छे से रिजल्ट आता है, लेकिन ज़्यादातर समय में आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे क्या 10 कारण है कि जिसके वजह से आपको ये दिक्कत आती है? क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने जो स्प्रे किया वो बर्बाद हो गया, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप स्प्रे करना चाह रहे थे वो मान लो वहाँ पे कीड़ लगी थी और गई नहीं, तो आपका जो आखिरी फसल आपके हाथ में आने वाली है वो भी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 कारण बताने वाला हूँ कि जिसके वजह से आपका जो स्प्रे लिया था आपने वो आपको उतना अच्छे से फायदा नहीं मिला वहाँ पे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कि पानी की मात्रा कम या ज़्यादा और पानी का पीएच। देखो, पानी का पीएच कि कोई भी केमिकल अगर आप मिक्स कर रहे तो आप पानी एज ए कैरियर सॉल्यूशन लेते हैं कि भाई पानी में वो लिक्विड हम डालेंगे, पानी में हम वो पेस्टिसाइड, वो फंगिसाइड या वो खाद हम डालेंगे, उसको घोलेंगे और फिर फसल को स्प्रे करेंगे। तो पानी का पीएच अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो पानी का एक इटसेल्फ उसका नेचर बदल जाता है। पानी क्यों पूरे दुनिया में फेमस है कि भाई जैसा उसको शेप दिया, जैसा उसको रंग दिया वैसा वो बन जाता है। तो वैसे ही उसका केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब उसका पीएच न्यूट्रल है तो उसमें आप जो डालेंगे वैसा वो बन जाएगा। लेकिन अगर उसका पीएच मेंटेन नहीं है और आपने अगर उसमें आपका केमिकल डाला तो वो कुछ अलग ही केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और आपको चाहिए और रिजल्ट आएगा नहीं। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप सभी को मालूम है कि मैं बीटेक पॉलीमर हूँ, एमई प्लास्टिक हूँ, मतलब केमिकल का स्टूडेंट था, तो जब भी हम हमारे लैब में कोई भी प्रयोग करते थे ना तो हम डिस्टिल वाटर का यूज़ करते थे, टैप वाटर का यूज़ हमने कभी नहीं किया। तो आपने भी ठीक है, अभी खेती में डिस्टिल वाटर कहाँ से मिलेगा, मिल भी सकता है, आप थोड़ा सा खोजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सादे पानी के जगह अगर आपने वो पानी का इस्तेमाल किया तो आपको आपके स्प्रे का रिजल्ट कम से कम 30 गुना 40 गुना ज़्यादा मिलेगा। अगर मानिए कि ऐसा है कि नहीं भाई आपको डिस्टिल वाटर मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या करिए कि जो भी पानी का इस्तेमाल आपको करना है ना वो पानी कम से कम 3 दिन 4 दिन भर के रखा करो। इससे क्या होता है कि उसमें जो भी तत्व थे वो नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर का पानी बिना हिलाए आराम से निकाल लेना, और ऐसे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप लोग बहुत महंगे महंगे स्प्रे का इस्तेमाल करते हो, मतलब 200 मतलब 2000 रुपये की इतनी सी बॉटल, 700 रुपये की 10 ml की बॉटल, उसका अगर लीटर में कन्वर्जन करेंगे तो 5000 6000 7000 लीटर तक उसका कॉस्ट आती है। तो ऐसा कभी भी अगर आपको महंगा स्प्रे लेना है तो अभी हर गांव में आरओ के प्लांट लगे हैं 20 लीटर, मतलब वो जो जार आता है 20-30 लीटर का, बिल्कुल आराम से वो आपको 20-30 रुपये में दे देते हैं। तो अगर महंगा स्प्रे लेना है, आपने वैसा पानी का इस्तेमाल किया तो भी आपको फायदा दिखेगा। दूसरा जो तो ये है कि पानी की मात्रा कम या ज़्यादा लेना। कई बार क्या होता है कि किसान क्या सोचता है कि यार ये जो केमिकल था, मान लो कोई ये केमिकल उन्होंने बोला था 100 लीटर पानी में डालना, लेकिन उसको खेत में कम कीड़ दिख रही या उसको थोड़ा जल्दी था, तो क्या करता है कि 100 लीटर की जगह 70 लीटर 80 लीटर में ही वो बना डालता है। इससे क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन बोला था उस केमिकल का वो वहाँ से मतलब कैलकुलेशन नहीं रहा, तो आपको जो चाहे वो रिजल्ट नहीं आता है। सेम इफेक्ट अगर आपने ज़्यादा पानी डाला, मान लो कोई किसान है उसको 1.5 एकड़ खेत में स्प्रे करना है और वो देखता है कि अभी ज़्यादा कीड़ नहीं है, तो 1 लीटर के 1 एकड़ के लिए जो फॉर्मुलेशन दिया है वो 1.5 एकड़ के लिए स्प्रे करने के लिए क्या करेगा, 100 लीटर पानी बोला है तो 120 लीटर लेगा, 140 लीटर लेगा, तो तब भी आपको स्प्रे का पूरा मतलब फायदा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए कि जितना बोला है उतने पानी में ही, ना कम ना ज़्यादा, और जितना न्यूट्रल पानी आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। गलत समय पर स्प्रे करना, देखिए बहुत सारे किसान क्या बोलते हैं कि सुबह सुबह स्प्रे कर देना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह क्या हो जाता है कि अगर आपके फसल पे औस गिरी थी, जो फॉग बोलते हैं
वो गिरी थी और वो निकल नहीं पाई है पूरी, वो पूरी भाप नहीं बनी और आपने स्प्रे लिया तो वापस आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो गलत हो गया, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सुबह के समय स्प्रे करना है तो कम से कम जो भी औस आपके पेड़ पे थी, आपके फसल पे थी, उसको पूरा निकालने दीजिए, फिर उसके बाद स्प्रे कीजिए। दोपहर को समय बिल्कुल स्प्रे मत कीजिए, क्योंकि दोपहर के समय जो फसल है वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बिजी रहती है, तो उस समय में अगर आप स्प्रे करेंगे तो उनकी वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपकी फसल भी वहाँ पे ख़राब हो सकती है, जल भी सकती है। और दोपहर को क्या रहता है कि आप जो स्प्रे करते हो ना, तो ये बहुत महीन स्प्रे रहता है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें से ज़्यादा पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो वापस जो कॉन्सेंट्रेशन बोला था वो बिगड़ जाता है और आपको स्प्रे का रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए मैं ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको भी समझ में आ रही होंगी कि यार ये तो सही है जो बता रहे, लेकिन इसको अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा या आपने भी इसका इस्तेमाल अभी तक किया नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छी जानकारी दे रहा हूँ तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो दोपहर के समय इसके लिए स्प्रे नहीं करना चाहिए। तीस मतलब महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर बहती हवा ज़्यादा है तो भी आप स्प्रे मत कीजिए, इससे क्या हो जाएगा कि वापस कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो स्प्रे जो कर रहे वो आजू बाजू में ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, तो जो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन आपके पेड़ पे चाहिए था, फसल पे चाहिए था, वो आएगा नहीं और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं। और बहती हवा में वो ज़्यादा अगर दूर बह गया और मान लो कि हवा उल्टी आपके तरफ आ रही है तो आपको भी उससे प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आखिरी कि भाई शाम के समय स्प्रे करना सबसे अच्छा माना जाता है, तो हो सके तब तक किसान भाइयों ने एक 4 बजे के बाद स्प्रे लेना चाहिए। जो नेक्स्ट मुद्दा है कि भाई कई बार किसानों को मैंने देखा है कि उनको बोला रहता है कि उनके खेत में दिखता है कि भाई कोई कीड़ लगी है, कोई डिफिशियंसी है, तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो उनको केमिकल दिए हुए कोई कीटकनाशक है, कोई फंगिसाइड है, कोई खाद है, ये आपस में मिला लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई 3 स्प्रे कौन लेगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हर एक की कॉम्पेटिबिलिटी एक दूसरे के साथ हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है। आपने अगर स्प्रे लेना है तो मतलब मिक्स करना है तो पहले कोई जानकार आदमी को पूछ लीजिए कि भाई ये मिक्स कर सकते हैं क्या। आपको एक सीधा सा रहस्य बताता हूँ कि भाई आप किसी के भी साथ जो एंटीबायोटिक है वो मिला सकते हो, लेकिन ये तीनों को एक साथ मिलाने की या दोनों को एक साथ मिलाने की गलती मत कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। उदाहरण लिखिए, यहाँ पे मैंने ये कॉपर लिया है। अभी कॉपर ऐसा धातु है, ऐसा केमिकल है कि जो हर एक के साथ रिएक्ट होता है। अगर आप इसके साथ कुछ दूसरा कीटनाशक वगैरह या दूसरा कोई केमिकल मिला लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो ऐसा मत कीजिए कि भाई सब मिला के एक साथ स्प्रे करना है। आप हो सके मतलब जानकार व्यक्ति से बात करके ही मिक्सिंग का फॉर्मूला का उपयोग करें। दवाई को अच्छे से घोलना, क्योंकि देखो जो मार्केट में दवाइयां मिलती ना, पेस्टिसाइड रहे, इंसेक्टिसाइड रहे या हर्बिसाइड रहे, लगभग जो भी दवाइयाँ मिलती है या फिर मैं बोलूँगा खाद भी मिलती है, तो ये 3 फॉर्मुलेशन से बना रहता है मोस्टली। एक रहता है WP, वेटेड पाउडर, मतलब वो बनाने के लिए उन्होंने पाउडर का इस्तेमाल किया है। दूसरा रहता है EC, इमल्सिफायर कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा रहता है FS, फास्ट सोल्यूशन। और ग्रैन्यूल्स, तो ग्रैन्यूल्स थोड़े अलग है, इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। तो ये तीनों में क्या होता है कि अपनी हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर कोई WP का सोल्यूशन है तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा घोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो भाई एक बार ये घोलने में समय लगेगा, लेकिन एक बार घुल गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं। और मान लो आपने WP का कोई केमिकल यूज़ किया है और आपने ज़्यादा घोला नहीं और स्प्रे कर दिया, तो उसका वापस वही कि भाई जितना मात्रा में उधर जाना चाहिए था उतना मात्रा में आपके फसल पे गिरेगा नहीं, कहीं पे गिरेगा, कहीं पे गिरेगा नहीं, और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बॉटल पे लिखा रहता है हर एक चीज़, आप पढ़ने की आदत गिराओ। आप बोलेंगे गिरीश भाई आपने बता दिया, लेकिन कितना समय घोलना,
या क्या ऐसी टेस्ट है कि उसके ऊपर समझ में आएगा कि ये पूरा घुल गया है। तो एक तो वही टेस्ट है कि भाई आंखों देखा, आंखों से समझ में आ जाएगा, या आपकी जो भी बॉटल आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी पाउच आप यूज़ कर रहे हैं ना, उस पर सब सूचना दिए, आप उसको आराम से पढ़ो फिर काम शुरू करो। दूसरा है, मान लो ईसी है, इमल्सीफायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये चीज़ का क्या रहता है कि ये आप अगर मिलाएंगे ना पानी के साथ तो थोड़ा जल्दी घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसको ज़्यादा समय पे अगर खड़ा रखेंगे, रौदा पड़ा रहने देंगे ना, तो जो भी केमिकल है वो नीचे जमा हो जाएगा, उसको जब भी इस्तेमाल करना है वापिस घोलना पड़ेगा। और अगर आपने वैसा नहीं किया, आपने बना डाला मान लो 200 लीटर का ड्रम, आपके हिसाब से सब बिल्कुल कैलकुलेशन बराबर किए, और आपने ये स्प्रे करने के लिए निकल गए, वापिस आए, ऊपर के ऊपर ये भर रहे आप, तो फिर जो केमिकल है नीचे रह गया है। तो ऐसा अगर कोई केमिकल का इस्तेमाल आप कर रहे तो उसको वापस हर बार आपको हिलाना है, ये चीज़ ख्याल में रखिए। अभी FS फास्ट सॉल्यूशन, अभी फास्ट सॉल्यूशन का प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, ये इतना इजीली पानी में मिक्स होता है कि इसको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके नाम में ही सॉल्यूशन है कि भाई इसमें ऐसे कुछ केमिकल है कि जो बहुत जल्दी उड़ जाएंगे, जैसे पेट्रोल रहता है ना वो जल्दी उड़ जाएंगे। तो अगर इसको आपने ज़्यादा समय तक बना के रखा तो आप 2-3 स्प्रे करके आएंगे तब तक उसमें से वो केमिकल उड़ गए, फिर आपको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें रहती है, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो भी वहाँ पे सूचना दी है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ग्रैनुअल्स, अभी सभी को मालूम है कि बहुत प्रकार के जो ग्रैनुअल्स है वो इजीली पानी में घुल जाते हैं। यूरिया तो बहुत अच्छे से घुल जाता है, लेकिन कुछ ग्रैनुअल्स ऐसे कि जिसको ज़्यादा घुलाना पड़ता है। तो मैं ग्रैनुअल्स के बारे में, यूरिया छोड़ के जो भी ग्रैनुअल्स किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको एक मतलब सूचना देना चाहूँगा कि पहले उसको कोई छोटे पानी में घुला लीजिए, तसल्ली कर लीजिए कि ये पूरा घुल गया है, फिर बड़े पानी में उसको मिक्स कीजिए तो आपको आसान रहेगा, क्योंकि बड़े पानी में नीचे का दिखता नहीं है, नीचे उसका क्या हुआ है समझ में नहीं आता है। तो पहले छोटे पानी में आप घुला लीजिए और फिर बड़े पानी में उसको मिक्स कीजिए, आपको आसान रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं जो भी बता रहा हूँ ना, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही छोटी चीज़ें आपको लाखों रुपये का फ़ायदा करा के दे सकती है। देखो, कई बार मैं कुछ कृषि सेवा केंद्र में जाता हूँ कुछ काम से, तो मैं देखता हूँ कि किसान आते हैं और सीधा बोलते हैं, हाँ भैया मुझे रॉगर दे दो, हाँ भैया मुझे ये मोनोकील दे दो, ऐसे कई और 2-4 केमिकल है कि किसानों को लगता है कि बस यही केमिकल, यही दवाइयाँ का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन ये गलत है। आपके फसल पे कौन सी कीड़ आई है, कौन से मौसम में आई है, कौन से पोजीशन में आई है, आपका तब क्लाइमेट कैसे है और उसका प्रादुर्भाव कितना है, ये सब चीज़ देखने के बाद आपने दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, ये दोनों दवाइयाँ बुरी नहीं है, लेकिन कैसे यूज करना ये समझ लीजिए। या बहुत बार क्या हो जाता है कि कोई भी प्रकार की कीड़ा है, किसान बोलेगा चलो एक ही स्प्रे का चलने दो, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि दवा है या उसके पास यही दवा पड़ी है, तो भाई बेकार जाने से यही चलने दो। अरे लेकिन आज ये 200-400-500 रुपए का दवा इस्तेमाल करने के पीछे आपका उधर हजारों रुपए की फसल बर्बाद हो जाएगी, इसका क्या, तो आप सोच समझ के कीजिए। दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बोलता हूँ इसका दुष्परिणाम का, कि पहले कछुआ छाप लगाया है, गुड नाइट की कॉइल आती थी जो छोटा ऐसा प्ले ही आता था, वो लगवाया तो मच्छर फटाफट मरते थे। अभी मच्छर मरते नहीं है, नीचे गिरते नहीं है, कहीं जाके सिर्फ बैठे रहते, आराम से घूम जाते सिर्फ। तो ये क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं भाई एडप्टेशन, मतलब जो भी सजीव है वो उसके आजू बाजू में जो भी चीज़ें होती है ना उसके हिसाब से खुद को चेंज करता है। तो ये जो आपके फसल पे जो कीड़ आती है ये भी खुद में टाइम टू टाइम एडोप्टेशन करती है। आपने कोरोना में सुना रहा होगा ना कि भाई वो म्यूटेंट हो गया, उसने उसका अगला वेरिएंट लाया, तो वो वही एडोप्टेशन था कि भाई अभी आपकी जो भी दवा थी उसके लिए वो कीड़ रेजिस्टेंस तैयार कर चुकी है। अभी एक ही दवा अगर आप बार बार मारते रहेंगे तो उसको कोई ज़्यादा फसल को मतलब कीड़ को दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से वहाँ पे रह जाएगी और आपकी फसल खराब हो जाएगी। तो आपने दवाइयों का इस्तेमाल अल्टरनेटिव करना चाहिए,
अल्टरनेटिव, आप कई बार बीमार गिरते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर ने भी आज तक आपको एक बार भी तो ये बताया होगा कि अभी ये दवा हो गई, अभी इसका इस उपयोग आपके शरीर पे नहीं होगा, अभी आपको दूसरा दवा देना पड़ेगा। चाहे उसका फॉर्मुलेशन सेम है लेकिन ब्रांड बदलाना पड़ेगा, या हायर कैपेसिटी का या अलग फॉर्मुलेशन का देना पड़ेगा। तो वैसा इधर भी रहता है कि आप ऐसा नहीं कि एक बार रॉगर मारा, दूसरी बार भी ये यूज़ करो, तीसरे भाई अल्टरनेटिव यूज़ करो, कभी ये कभी ये कभी और दूसरा, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दवाइयों की मात्रा कम या ज़्यादा सबसे मतलब कॉमन मिस्टेक है। किसान क्या करता है कि पहले तो उसके पास क्या दवाइयाँ वो देख लेता है, फिर फसल पे देखता है कि अभी ज़्यादा पौधर भाव नहीं है कीड़ का, और उसके दवाइयों के ऊपर लिखा है कि एक एकड़ के लिए 100 लीटर का घोल बनाना है, 30 ml की 30 ml दवाइयाँ डालनी है। वो बोलता अभी तो ज़्यादा कीड़ नहीं है तो मैं 20 ml ही डालूँगा, या 100 लीटर के जगह 50 लीटर ही बनाऊंगा, और उससे क्या हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस बोला वो तैयार हो जाता है, आपका टाइम पे वो नियंत्रण में नहीं आया, इसकी वजह से वो बढ़ जाता है, फिर आपको वापस डबल दोबारा खर्चा करना पड़ता है। तो ये गलत है। दवाइयाँ जो भी मात्रा में उस बॉटल पे बोली है, वो पाउच पे बोली है, वही मात्रा में इस्तेमाल करो। अपने मन से इस्तेमाल मत करो। अगर आपके मन से आपको इस्तेमाल करना है तो जानकार व्यक्ति से बात करो। हर एक दवाई की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है, यूज़ करने का तरीका है, उसको उसी तरीके से यूज़ करना है। मिट्टी में नमी की कम मात्रा, देखिए जो भी दवाइयाँ है ना, ये मोस्टली दो प्रकार में डिवाइड होती है। एक कांटेक्ट मतलब आपका स्प्रे किया और कौन सा मतलब वो कीड़ कहीं से भी अगर वो स्प्रे के कांटेक्ट में आया तो वहाँ पे उसका जो भी नर्वस सिस्टम है या जो भी है वो कीड़ वहाँ के वहाँ मर जाएगा। तो ये जो कांटेक्ट वाली सिस्टम है ये जल्दी इफेक्ट दिखाती है। दूसरी सिस्टम आती है सिस्टेमिक, तो ये क्या करती है कि ये आपके पौधों के जड़ के माध्यम से आपके पौधों में पहुंच जाती है, और जब कभी आपका कीड़ उस पौधे में घुस के वहाँ पे उसके संपर्क में आता है तो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सिस्टेमिक दवाइयाँ रहती है ना, इसका इफेक्ट आपको थोड़ा लेट मिलता है लेकिन ये ज़्यादा समय तक रहता है, और जो कॉन्टैक्ट वाली दवाइयाँ है इसका इफेक्ट जल्दी मिलता है और जल्दी जाता भी है। और मानिए कि अभी आपने सिस्टेमिक दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे थे कि जो मिट्टी के माध्यम से आपके रूट तक जाने चाहिए थी पौधों के, और वहाँ से वो अंदर जानी चाहिए थी, और आपके ज़मीन में बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो फिर वो कैसे पहुँचेगी वहाँ? कई सारे ऐसे कीड़े कि जो ज़मीन के माध्यम से आपके फसल को लगते हैं, जैसे कि हुमनी हो गया, निमेटॉड हो गया, टर्माइट्स हो गए, तो ये कीड़ के लिए आपको ज़मीन के माध्यम से ही दवाइयाँ देनी है। चाहे आप उसको फसल पे भी स्प्रे कर रहे हैं लेकिन वो ज़मीन में ही जा रही है, तो अगर आपके ज़मीन में बराबर नमी होगी तभी ये काम करेगी। अभी और एक चीज़ देखिए, एकदम धूप थी, आप धूप में 2 घंटा घूम के आए और आने के बाद तुरंत आपको अगर दवाइयाँ दी गई तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आपका थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कई बार कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होता है, तो वो क्या करते भाई, आए फिर शांत हुए, पानी गिने पी के, फिर 1-2 घंटा हो गया, फिर दवाइयाँ खाते। तो वैसे ही इसका है कि आपके ज़मीन में नमी नहीं है तो आपका जो भी फसल है वो एक अलग सिस्टम में पहुंच गया है, क्योंकि उसको पहले खुद को बचाने के लिए वहाँ पे मॉइस्चर चाहिए, और उस टाइम पे अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो मतलब परेशान हो जाएगा। तो पहले सही नमी जब रहेगी आपके ज़मीन में तभी आपने स्प्रे करना चाहिए। घोल को ज़्यादा देर तक ना रखें। देखो इसका उल्लेख तो मैं कर चुका हूँ कि भाई आप घोल बना लिया, और घोल बनाने के बाद उसमें मानो कोई वैसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट था कि जो उड़ गया, फिर क्या करेंगे? कुछ रिएक्शन होती है जब आप घोल बनाते हो, तो ज़्यादा समय के बाद वो फट भी सकता है, उसको अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको फसल को फायदा होने के जगह नुकसान हो जाएगा, वो मर भी सकती है। तो भाई जैसा आपका मतलब ज़रूरत है वैसे ही घोल बनाइए,
ताबड़तोब उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए और ख़त्म कीजिए, इसको ज़्यादा टाइम पे मत रखिए। एक कॉमन गलती मैंने कई बार देखी है कि मानो 200 लीटर के ड्रम में घोल बनाया था, 4 एकड़ क्षेत्र था, 2 एकड़ का स्प्रे आज हो गया, दिन ख़त्म हो गया, तो 2 एकड़ को कल करना है। तो किसान भाई क्या करता है मालूम है, कि जो थोड़ा सा बचा था ना वो कल के घोल में डाल देगा, तो उससे क्या होगा कि जो अच्छा था वो भी बुरा हो गया। तो ऐसा भी मत करो कि भाई वो फेंक दो आप, जो ज़्यादा पुराना हो गया उसको यूज मत करो, नहीं तो नए घोल को भी आपको ख़राब करेगा, तो ये गलती मत करो। एक यूट्यूब पे मैं जब ये सब सर्च कर रहा था, गूगल पे सर्च कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि कहीं यूट्यूबर भाइयों ने मीटर का रॉड बनाया है, रई बनाई अपने हिसाब से धातु की, और बोला है जुगाड़ हिलाने के लिए, ये घोल बनाने के लिए। अरे भाई, जब भी आप घोल बनाएंगे तो उसमें कोई भी धातु नहीं डालना रहता है। हो सके जब तक आपको ये घोल घुराना है तो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करो या लकड़ी का इस्तेमाल करो, कोई भी मेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपका मेटर एक प्रकार का धातु है, एक प्रकार का केमिकल है, वो वहाँ पे रिएक्ट होता है। तो ऐसी गलती मत करो। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि ये घोल भरने के लिए जो जग आता है, पानी का जार आता है, लोहे का, स्टेनलेस स्टील का, वो इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा मत करो। जब तक हो सके आप प्लास्टिक का ड्रम इस्तेमाल करो, प्लास्टिक की बकेट इस्तेमाल करो, प्लास्टिक का मग इस्तेमाल करो, आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। स्प्रे में स्टिकर न डालना। अभी स्टिकर क्या रहता है, तो स्टिकर में दो प्रॉपर्टी रहती है। एक तो स्टिकर क्या करता है कि जो भी स्प्रे आपने किया है ना उसको फैलाता है बड़े पैमाने पर, सरफेस टेंशन कम करके उसको बड़े एरिया में फैलाता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी आपका फसल का सरफेस है उसके ऊपर वो ज़्यादा फैल के रहता है। और दूसरा स्टिकर का प्रॉपर्टी क्या रहता है कि अडेजन प्रॉपर्टी, मतलब जब भी स्प्रे किया उधर वो चिपक जाएगा तो आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, बेटे हवे से उड़ नहीं जाएगा, या बारिश गिर गई तो आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा। अगर बिना स्टिकर से स्प्रे करेंगे ना तो नीचे गिर जाएगा और फिर आपको उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो आप स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें। ये आखिरी है लेकिन जरूरी है, स्पर्शीय और अंतरप्रवाही कीटनाशक, जैसे मैंने बोला कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दवाइयाँ। तो कांटेक्ट में मैंने क्या बोला कि जहाँ पे भी उसके कांटेक्ट में आएगा वो कीड़ मर जाएगा, और सिस्टेमिक के वो पेड़ को जड़ से अंदर जाएगा। तो आपको ये देख लेना है कि कौन सी दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हो, इस प्रकार की है या इस प्रकार की है, और उस हिसाब से अगर आप उसको प्रिकॉशन लेके काम करेंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो देख लेना कौन से प्रकार की आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको वो बॉटल पे तो मेरे हिसाब से सब लिखा रहता है, लेकिन नहीं मिलता है तो थोड़ा सा गूगल करो। आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप गूगल के साथ या इंटरनेट पे काम करते हो, तो ये कोई बड़ी काम चीज़ नहीं है। और आप ये अगर सर्च करेंगे तो साथ में वो जो दवाइयाँ उसके बारे में और क्या प्रिकॉशन लेनी है, और क्या उसके बारे में किसके साथ मिलाया जा सकता है, या कौन से रोग के ऊपर उसका इस्तेमाल होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी और आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो यह 10 मेन गलतियाँ थी कि जिसके वजह से आपका स्प्रे बर्बाद होता है। मुझे लगता है जो जानकारी मैंने आपको देनी चाहिए आपको पसंद आई होंगी। वापिस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।